में बहुत ज्यादा सालों से हैं काफी साल हो गए आपको जी मुझे एक बात बताइए क्या इस वक्त दुनिया एक बोल्डनेस एपिडेमिक का सामना कर रही है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्या पिछले कुछ समय में अचानक से दुनिया भर में गंजापन जो है उसकी समस्या बढ़ी है uh, मैं इस इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगी बिकॉज़ मेरे हिसाब से बोल्डनेस uh, और गंजापन की प्रॉब्लम हमेशा से थी पर पहले सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे पहले हम अपनी लुक्स को लेके स्किन की केयर को लेके हेयर की केयर को लेके इतने कॉन्शियस नहीं थे अब ऑप्शंस खुलती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग बॉन्डनेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट हाँ ये बात भी सही है कि जो एज ऑफ ऑनसेट कम हुई है इसका रीज़न है कि हमारी लाइफ जो है पहले के ज़माने की बजाय अब की बार काफ़ी डिटीरिएट हो रही है हमारे खान पान में कमी है स्लीप साइकिल काफ़ी लोगों का डिस्टर्ब है स्क्रीन का एक्सपोजर टाइम काफ़ी बढ़ गया है तो ये सारी चीज़ों के कारण स्ट्रेस बढ़ गया तो स्ट्रेस की वजह से गंजेपन की जो एज है वो डेफिनेटली घट गई है बट अगर आप वैसे देखें पचास से सात परसेंट या साठ परसेंट से ज़्यादा मैन को बॉन्डनेस एक्सपीरियंस होती ही है एनी टाइम इन देयर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ़ जेनेटिक रीजंस बिकॉज उनके फादर ग्रैंडफादर को भी बॉल्डनेस था तो इसलिए बॉल्डनेस तो उनको आएगी बट जो पहले लेट एज पर आती थी अब यंगर एज पर आ रही है तो पुरुषों में ही गंजेपन की समस्या ज़्यादा क्यों है Uh, देखिए जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं जिसमें कि आपकी डी एक हार्मोन होता है जो कि एक अच्छा हार्मोन है जो हमारी मसल बिल्डिंग और स्टेमिना में हेल्प करता है तो वो हार्मोन मेन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वीमेन में वो मेल हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो क्या है कि मेन में जो हेयर की रूट्स हैं वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव होती है दैट सेंसिटिविटी इज़ यूजली जेनेटिकली यानी कि अगर आपके फादर ग्रैंड फादर को जेनेटिक सेंसिटिविटी थी तो आपको भी सेंसिटिविटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं उस मेल हार्मोन की वजह से आपको गंजापन आएगा क्योंकि उस मेल हार्मोन का कंटेंट फीमेल्स में काफ़ी कम होता है इसलिए इसकी इंसिडेंस फीमेल्स में कम देखी जाती है फीमेल्स uh, में जो हेयर लॉस है महिलाओं में हेयर लॉस के रीज़न्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायरॉयड uh, की प्रॉब्लम हॉर्मोनल प्रॉब्लम खान पान की कमी uh, और लाइफ स्टाइल वो प्ले करते हैं रोल इन विमेन बट मैन में जो है इट इज़ मोस्टली जेनेटिक तो अगर किसी का खान पान लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है बट बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो भी उनको गंजापन होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं तो इसीलिए उनको पहले से अगर वो डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर खासकर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है यंग एज से दवाइयाँ लें रोकथाम के लिए तो वो बॉन्डनेस को पोस्टपोन कर सकते हैं या प्रिवेंट भी कर सकते हैं वो एंटायरली डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी दवाइयों को लेके कितना रिस्पॉन्सिव है बट इट इज़ मच मच मोर कॉमन इन मैन than वेमेन अच्छा आ, हो सकता है मैं ये गलत हूँ इस चीज़ को लेकर इस फैक्ट को लेकर के पर हम जो हिंदुस्तानी हैं हमारे बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी मानी जाती थी, बिल्कुल घने बाल होते थे बालों के लिए काफ़ी फेमस हैं हम लोग तो हमारे साथ भी ये दिक्कत क्यों शुरू हो गई है क्या इसके पीछे वजह सिर्फ हमारा जो खराब लाइफ जैसे आपने बताया खान पान स्ट्रेस यही है या फिर कुछ और वजह भी हैं देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियंस ही इससे ज़्यादा जूझते हैं दिस प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड ओवर हाँ कुछ कुछ रेसेस हैं जैसे कि कोरियन चाइनीज़ वो उनमें रेशियल प्रीडिसपोजीशन कम है गंजेपन का बट उनके अलावा मेरे हिसाब से ये जो गंजेपन की समस्या है भारत में और बाकी कंट्रीज में भी इक्वली प्रेवलेंट है अच्छा तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बाल जेनेटिकली बाकी देश के लोगों से अच्छे थे हम भी उतने ही रिस्क पे हैं गंजेपन के